करते हैं बुलेट का क्या डिमांड है? ये 2019 का गाड़ी है, 1,20,000 में छोड़ देंगे। 2019 का गाड़ी? हाँ। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे एक नए वीडियो पर। तो आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने जिंदगी में पुरानी गाड़ी सभी लोग देखने के लिए अपने शहर यानी कि नगर में सभी लोग मस्त होंगे। तो थैंक यू दोस्त, आज हम फिर से पहुंच गए हैं नगर शहर में यानी कि आपको कान्हा ऑटो सेल के पास। और इस वक्त हम बहुत सारा गाड़ी हम लेकर के आए हैं विकास भैया के पास। अच्छा अच्छा गाड़ी जो आप लोग डिमांड करते हैं ना कि भैया हमको स्प्लेंडर प्लस चाहिए, तो आज मैं स्प्लेंडर प्लस आपके लिए लेकर के आया हूँ। कम से कम बजट में, कम से कम प्राइस में आज हम इस वीडियो में आप लोग को दिलवाने वाले हैं। तो वीडियो पर आप एंड तक बने रहिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हम चलते हैं, पूरी गाड़ी का डिटेल्स आज हम विकास भैया से लेते हैं कि कौन कौन सा गाड़ी अभी इनके पास पड़ा हुआ है। चलिए भैया, आपको मेरे आइए भैया, विकास भैया आपको मेरे चैनल में स्वागत है। कैसे हैं भैया, ये बताइए। बहुत बढ़िया। अच्छा ना, अच्छा पिछले बार जो हम लोग वीडियो बनाए थे, क्या रिस्पॉन्स कुछ मिला वीडियो में? हाँ, मिला मिला ना। अच्छा ये बताइए कि आज कान्हा ऑटो सेल कौन कौन सा गाड़ी आज हमको दिखाने वाला है कम से कम बजट में, जो युवा लोग को बहुत ज्यादा डिमांड आता है कि भैया हमको कम प्राइस में गाड़ी चाहिए। अभी एचए डीलक्स मिल जाएगा जी, पैशन प्रो मिल जाएगा, स्पोर्ट मिल जाएगा, ग्लैमर मिल जाएगा, अच्छा स्प्लेंडर मिल जाएगा, स्प्लेंडर भी मिल जाएगा। तो आप लोग बहुत ज्यादा स्प्लेंडर का डिमांड करते हैं कि भैया कान्हा ऑटो सेल के पास हमको स्प्लेंडर प्लस चाहिए। तो आज हम यानी कि कान्हा ऑटो सेल के पास यानी कि नगर में आपको हम दिखाने वाले हैं कि स्प्लेंडर प्लस इनके पास मौजूद है। सबसे पहले बताइए कि ऑडियंस को जवाब चाहिए कि अभी कौन सी जगह पे आपका ब्रांच है? नगर उतारी हनुमान मोड़ भानापुरला रास्ता, पेट्रोल टंकी के बगल में मेरा ब्रांच है। अच्छा, तो देख सकते हैं कि यानी कि आपको सामने में दिखाई दे रहा होगा, इधर में आप निकल जाइएगा तो भवनाथपुर के लिए हम निकल जाएगा। ये देखिए सामने में बगल में आपको यानी कि हनुमान मंदिर है। अब हम लोग चलते हैं हनुमान मंदिर के नाम लेते हुए कि अब हम लोग पूरी गाड़ी का डिटेल्स लेते हैं कि कौन कौन सा भी गाड़ी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से बात करते हैं, क्या डिमांड रखे हैं सर इसका? ये 2021 मॉडल है जी सर, 4B अपाची है जी, चली हुई है 22,000 किलोमीटर जी, 72,000 रुपया रेट है इसका। 72,000 पर रेट है। किलोमीटर कितना चला हुआ है? 22,000। 22,000 कहाँ का रेस्ट है भैया? ये भदोही का, यूपी 66 है, भदोही का गाड़ी है। भदोही का गाड़ी है। क्या डिमांड रखे इसका? 72,000। कुछ नॉन एसेबल हो जाएगा? हाँ, आने के बाद हो जाएगा। आने के बाद आपको कुछ न कुछ और भी पर आपको नॉन एसेबल भी कर दिया जाएगा। आप आ सकते हैं, गाड़ी का कंडीशन किस प्रकार से आप देख सकते हैं। पूर्वी अपाची जो आप लोग डिमांड करते हैं कि भैया हमको न्यू अपाची जो होता है ना, न्यू कलर वाला जो गाड़ी होता है, जो नया वाला BS6 में, तो BS6 में गाड़ी आपको दिलवाने वाले हैं। अब हम लोग बात करेंगे बगल में जो नेक्स्ट गाड़ी लगा हुआ है इस पर, इसका क्या डिमांड रखे सर? इसका 46,000 रुपया रेट है जी, 2022 का गाड़ी है जी, 5,000 किलोमीटर चली हुई है जी। हाँ, अच्छा गाड़ी कब का है? 2022 का है। गाड़ी में कोई खर्चा? कोई खर्चा नहीं। कोई खर्चा नहीं रहा? कोई खर्चा नहीं। क्या डिमांड रखे हैं? 46,000। 46,000। गाड़ी में कोई खर्चा नहीं? कोई खर्चा, थोड़ा बहुत है वो करा के देंगे। अच्छा, थोड़ा बहुत जो भी काम होगा करा के देंगे, बैठने के बाद कुछ नॉन एसेबल भी कर दिया जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे बगल में ये जो गाड़ी लगा हुआ है इस पर बात करेंगे, इसका बहुत ज्यादा डिमांड रहता है, युवा लोग की सबसे बड़ा डिमांडेड गाड़ी जो आप लोग बहुत ज्यादा मांग करते हैं कि भैया हमको इसकी गाड़ी चाहिए ना, तो गाड़ी इनके लिए लेकर के क्या डिमांड है सर? विकास भैया, हीरो का एक्सट्रीम है जी, 2023 मॉडल है, अनरजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड करके 24 का आपको 75,000 में छोड़ देंगे। अच्छा, न्यू प्राइस अभी क्या आता है गाड़ी? 135,000। हाँ, 9,000 किलोमीटर चली हुई है। मात्र 9,000 किलोमीटर मात्र चला हुआ गाड़ी है। एक्सट्रीम है ना? हाँ, एक्सट्रीम। एक्सट्रीम जो आपको ब्लैक कलर में गाड़ी है, गाड़ी एकदम वेल मेंटेन है, रेड कलर है, रेड कलर में गाड़ी है। हम लोग बात करेंगे बगल में जो नेक्स्ट लगा हुआ है, बात करेंगे क्या डिमांड रखते हैं। ये 2021 का ग्लैमर है, ये 48,000 में छोड़ देंगे। 48,000 में छोड़ दीजिएगा। हाँ, कितना चला हुआ है किलोमीटर? ये लगभग 16,000 किलोमीटर चले हैं। 16,000। कार का कंडीशन ठीक है? हाँ, सब अच्छी है कंडीशन। इंजन वगैरह का टांटा मिलेगा? इंजन हाँ, टांटा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कितना में छूट दीजिएगा इसको? 48,000 में छोड़ देंगे। हाँ, आने के बाद सब हर गाड़ी पे होगा। चलिए, बगल वाला जो गाड़ी लगा हुआ है इसकी बात करेंगे, पैशन प्रो, क्या डिमांड है? ये 2017 का है, 25,000 में छोड़ देंगे। 25,000 में छूट दीजिएगा? हाँ, 17 का गाड़ी। हाँ, आपको पैशन प्रो 2017 का गाड़ी आपको 25,000 में दे जाएगा। वेल मेंटेनेंस है,
गाड़ी आपको ले जाने पर कोई खर्चा नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ तेल डालना है और गाड़ी को रनिंग में रखना है। अब हम लोग बात करेंगे बगल वाले जो गाड़ी लगा हुआ है, तो आपको बात करते हैं कि नहीं, स्प्लेंडर प्लस दिखाइए। आज हम आपको स्प्लेंडर प्लस भी दिखाने वाले हैं। अच्छा अच्छा स्प्लेंडर प्लस, क्या डिमांड है इनका भैया? इसका 2021 का है जी, इसका 50,000 रुपया हम दे देंगे ये गाड़ी। 50,000 में छूट दीजिएगा। अभी स्प्लेंडर प्लस का न्यू क्या आता है? 94,000। 94,000 50,000 में छोड़ दीजिएगा। 50 में छोड़ दीजिए। कब का गाड़ी है? 2021 का। 2021 किलोमीटर के बात करें तो 25,000 चली हुई। 25,000 यानी कि ओरिजिनल मीटर गाड़ी चला हुआ। हाँ, ओरिजिनल। 25,000 यानी कि 41 मीटर मात्र गाड़ी चला हुआ है। 25,000 41 मीटर मात्र गाड़ी चला हुआ है। वेल मेंटेनेंस गाड़ी है, गाड़ी में कोई खर्चा नहीं है। गाड़ी मिडगार्ड टूटा हुआ है, मिडगार्ड लाने में टूटा हुआ है, नया लगा के देंगे। नया लगा कर दीजिएगा। बाकी गाड़ी में कोई खर्चा नहीं। अगर थोड़ा बहुत जो खर्चा होगा वो करा के देंगे। करा के दीजिएगा ना। गाड़ी वेल मेंटेनेंस में है, गाड़ी आप देख सकते हैं। आने के बाद जो भी अगर आपको खर्चा लग रहा हो गाड़ी में, तो आप विकास जैसे करा सकते हैं। कराना है टूट चल यानी कि नगर में। हम लोग बात करेंगे बगल में स्कूटी। ये 2022 का है जी सर, 13,000 किलोमीटर चली हुई है। 52,000 में छोड़ देंगे इसको। 52,000 में छोड़ दीजिएगा। हाँ। न्यू प्राइस अभी क्या आता है? लगभग 1.5। 1.5 माइलेज के बाद क्या जाता है? 35-40 देगी। 35 दे देगा। 35-40 दे देगा। हाँ, दे देगा। चलिए देखिए, मार्केटिंग करने के लिए जो लेडीज आप लोग खोजते हैं कि नहीं हमको स्कूटी चाहिए सेकेंड हैंड, जो न्यू बजट में नहीं ले पाते हैं, उनके लिए सेकेंड हैंड भी गाड़ी यहाँ पे स्कूटी लगा हुआ है। आप यहाँ पे आकर के कान्हा ऑटो सेल से एक बार मिल करके संपर्क करके दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करके बात करके आप गाड़ी को देख सकते हैं, उठा भी सकते हैं। गाड़ी में यानी कि टेस्ट ड्राइव करने के लिए मिलेगा? हाँ हाँ, आप आइए, टेस्ट ड्राइव भी करने के लिए मिलेगा। बैठने के बाद कुछ पर भी नॉन नेगोशिएबल कर दिया जाएगा। मेरे चैनल के माध्यम से आगे तो कुछ नॉन नेगोशिएबल आने के बाद हो जाएगा। आने के बाद कुछ ना कुछ हो जाएगा। हो जाएगा। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अब लोग बात करेंगे 2020 का पैशन प्रो है जी सर, 38,000 रुपया में छोड़ देंगे। 2020 का? हाँ। क्या किलोमीटर चला हुआ है? 1 किलोमीटर 23,000 चली हुई है। 23,000 चला हुआ है। वेल मेंटेनेंस है? वेल मेंटेनेंस। गाड़ी में कोई खर्चा? कोई खर्चा है। पैशन प्रो का माइलेज के बात की जाए 60+ देगा। 60+ दे देगा। वेल मेंटेनेंस में गाड़ी? हाँ, वेल मेंटेनेंस। चलिए देखिए, पैशन प्रो भी आप लोग डिमांड करते हैं कि 2020 मॉडल, तो 2020 मॉडल आपको हम पैशन प्रो लेकर क्या है, वेट में यानी कि बजट यानी कि कम बजट वाला जो गाड़ी आप लोग खोजते हैं ना, तो आपके लिए कम बजट का गाड़ी हम यहाँ पे लेकर के आ गए। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए एकदम अभी कभी तुरंत आप लोग करें। और कुछ ना कुछ कान्हा ऑटो सेल से आप लोग नॉन नेगोशिएबल भी ले सकते हैं। बगल में बात करते हैं, बगल में लाल गाड़ी लगा हुआ है, ये पैशन प्रो है DS6 21 मॉडल। 21 मॉडल गाड़ी? हाँ, 21 मॉडल लग रहा है। लग रहा है 21 मॉडल गाड़ी है। अच्छा, ये 45,000 में छोड़ देंगे। 45,000 में क्या माइलेज देगा? 60 देगा। 60 हाँ, आराम। चलिए, 1 लीटर में 60 किलोमीटर दौड़ने वाला गाड़ी आपको हम पैशन प्रो 2021 मॉडल आपको दिलाने वाले हैं। टाटा कान्हा ऑटो सेल यानी कि हनुमान मंदिर के बगल में यानी कि भनाथपुर जो एरिया यानी कि भनाथपुर जो रोड जाने वाले जो रोड है ना, इस रोड के पास आप नंबर पे कॉल करें। कॉल करके आप आकर के हमारे विकास जैसे संपर्क कर सकते हैं। वेल मेंटेनेंस गाड़ी ले सकते हैं। इसका कुछ नॉलेज भी हो जाएगा? सब पर गाड़ी पे हो जाएगा आने के बाद। आने के बाद यानी कि बैठने के बाद आपको कुछ ना कुछ शुरू किया जाएगा। आप लोग बात करेंगे बगल वाली जो लगा हुआ है 2020 मॉडल है जी, ये 40,000 रुपया में दे देंगे। 40,000 में छोड़ दीजिएगा। इसका स्कूटी का माइलेज चली गया? 35-40। 45-40 सबका गाड़ी है ये 2020 का। 2020 का। चलिए देखिए, 2020 का जो आप लोग डिमांड करते हैं कि हमको स्कूटी चाहिए, तो आपके लिए हम स्कूटी भी लेकर के हैं। वेल मेंटेनेंस किलोमीटर के बात करें तो सर 13,000 किलोमीटर। 13,000 किलोमीटर। कहाँ का रजिस्ट्रेशन है? ये देवघर का GH15 है। अच्छा, GH15। ये चलिए देखिए, GH15 यानी कि देवघर का जो गाड़ी आप लोग खोजते हैं ना कि भैया हमको झारखंड में देवघर का गाड़ी चाहिए, तो आपके लिए हम स्कूटी लेकर के हैं। माइलेज वाला गाड़ी जो आप लोग डिमांड करते हैं हमको माइलेज वाला गाड़ी चाहिए, तो आपके लिए हम स्कूटी माइलेज वाला गाड़ी लेकर के आ चुके हैं। एक और पूछना चाहते हैं विकास भैया, ये बताइए कि आपके ब्रांच पर जब हम लोग आएंगे तो हमारे ऑडियंस को यानी कि फाइनेंस का फैसिलिटी फाइनेंस का नहीं है? फाइनेंस हो जाएगा पर बहुत टाइम लगेगा उसमें। अच्छा, इसके लिए देखिए हम सॉरी कहना चाहते हैं कि देखिए फाइनेंस फैसिलिटी का सुविधा इनके पास नहीं है। और उसके अलावा आप लोग अगर गाड़ी लेना चाहते हैं सेकेंड हैंड, तो विकास जैसे संपर्क करें कान्हा ऑटो सेल यानी कि नगर में दिए गए नंबर पर कॉल करें। और फाइनेंस का सुविधा नहीं है, डायरेक्ट कैश पेमेंट में गाड़ी आए और ले कुछ ना कुछ आपको नॉन नेगोशिएबल करके दिया जाएगा। तो चलते हैं आज हम लोग यहाँ पे। एक बुलेट भी है। इधर बुलेट भी है? चलिए हम लोग बुलेट पर बात करते हैं। बुलेट का क्या डिमांड है? ये 2019 का गाड़ी है जी सर, 1,20,000 में छोड़ देंगे। 2019 का गाड़ी? हाँ, 2019 का गाड़ी आपको जो बुलेट ये जो देख रहा है ना आपको यानी कि माइलेज के बात किया जाए तो 35 देती है अभी। 35? चलिए, गाड़ी वेल मेंटेनेंस में है? वेल मेंटेनेंस। चलिए, वेल मेंटेनेंस गाड़ी आपको यानी कि 35 का माइलेज एवरेज वाला गाड़ी, जो एवरेज वाला जो गाड़ी खोजते हैं ना आप लोग कि भैया हमको एवरेज वाला गाड़ी चाहिए बुलेट, तो आपके लिए युवा लोग के लिए सबसे बड़ा झकास बुलेट भी लगा हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो नया कलेक्शन आएगा
तब तक हम लोग वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, फिर हम इनसे मिलेंगे, बाकी नया कलेक्शन मिलेंगे। आज हम लोग यहाँ पे वीडियो को एंड करते हुए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।